all the audience tips or to practice neurology at office. Basically, this is an approach to... And Dr. Sam, for their presence. मतलब यू नेवर सीन इन इनॉग्रल सेरेमनी दैट इज हाई यू विल नाउ यू विल एक्सपीरियंस दिस एवरीथिंग एक्चुअली आई यूज टू कीप माय थॉट एंड ही यूज टू एक्सीक्यूट ही एक्टेड लाइक बॉटम ऑफ माय हार्ट वाज स्पेंडिंग द टाइम माय सिंसियर थैंक्स to Dr. Vinit Wankhede, Dr. Kriya Kapting, beautiful scientific program. All thanks to faculties for all the workshop. Actually, as per in last consecutive 3 years, our chapter received best award chapter of... These are very common in children. And we need to keep ourselves updated with recent advances. Conferences and workshops become means to share our ideas and experiences. In addition, workshops give us hands-on training. We conducted 4 workshops yesterday with Masters of Pediatric Neurology as guest faculty. I express my sincere gratitude to this faculty for making it possible. I request Dr. Alu Verma and Dr. Sanju Joshi to come forward and elicitate few of our experiences. I will need definitely CIP help for this. So this mega event, first time in history of Neuropedagon, we got more than 700 registration. Not only that, but all the workshop, all 4 workshop had an overwhelming response. You know, initially we was little bit scared ki all itne 4 workshop rakhenge to kaisa hoga, but and last our agenda was that Kashmir Pedagon. The Kashmir Guru Pedagon, thank you once again. Jai Hind, Jai Hind. Thank you, Dr. Kalpana Datta, Dr. Makhija, Dr. Sarabhai. You can read there. My responsibility is what IP actually meant for, what is our aims and what with this event we are going to achieve. So first aim of IAP, to bring IAP in every corner of the country. That was also a dream of my president. And 3 priority states were Jammu and Kashmir, Meghalaya and eastern part of Uttar Pradesh. So on the one end we are very much successful. Now IAP is, we expect a wave, but Muzaffar sir or Khurshid, aapne to tufaan la diya. Oranges and tigers. I please here to be Dr. Yasin Chaudhary, Dr. Sir, please. देखिए, हमने ये बहुत दिनों से हम इस प्रोग्राम में लगे हैं कि हम एक न्यूरोलॉजी के कॉन्फ्रेंस करें, बच्चों के न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस करें, कि हमने यहाँ पर जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कंट्री में, केरला से के कश्मीर तक, सबको बुलाया है ताकि ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, हम अपडेट हो जाएँ और ये हमारे यहाँ वर्कशॉप करें ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं पेरिफेरीज में हैं चाहिए हैं, हमने सबको इन्वॉल्व किया, उनको हमने कल 4 वर्कशॉप्स की ट्रेनिंग दी उनको। उसे क्या होता है कि एक तो हम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं और डायरेक्टली हमारा फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा। कश्मीर में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कम से कम डे टू डे लाइफ में हम रोज़ देखते हैं न्यूरोलॉजिकल केसेस, 10 से 15% की जो हमारे एडमिशन होती है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ही लेके होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी थी ये कॉन्फ्रेंस, हम कई सालों से कुछ कोशिश कर रहे थे कि हम करें, लेकिन बीच में कोविड वगैरह हो गया तो डिले हुआ हमारे। तो साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो गए पेंडिंग में, बच्चों को आधे डिप्रेस हो गए, आधे हाइपर हो गए, आधे एग्रेसिव हो गए, टेम्पर पैनिक अटैक्स होने लगे बच्चों को हमारे, पर्टिकुलर एडोलेसेंस में हमने काफ़ी देखा कि पैनिक अटैक बढ़ने लगे, क्योंकि जब उनका एक माहौल होता है, बच्चे को सुबह निकलना है, दिन में स्कूल जाना है, वापस आना है, खेलना है, पढ़ना है, सुन, वो सारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, घर में बंद हो गए, इससे उनके जहनी दबाव काफ़ी हो गया।
माँ बाप को चाहिए बच्चे को टाइम दे, सबसे जरूरी। हम लोग सब बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम टाइम दे पाते हैं। जितना आप अपने बच्चे को टाइम दोगे उतना आपका बच्चा अच्छा बनेगा। जितना आप अपने बच्चे को टाइम कम दोगे, इग्नोर करोगे, अपने वैल्यूज पास ऑन नहीं करोगे, उतना वो टीवी मोबाइल पे लगा रहेगा, जो वहाँ सीखेगा वही बनेगा। ये बड़ा न्यूरोलॉजिकल इवेंट है, बच्चों की न्यूरोलॉजी का इवेंट है, न्यूरोपीडियाट्रिक्स। ये नई स्पेशलिटी है ऑल ओवर द कंट्री। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ, 80s में हार्डली कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट कंट्री में था, आज समूह है। इनफैक्ट ये बड़ी रेयर स्पेशलिटी है। और न्यूरोलॉजी मीटिंग जो श्रीनगर में अभी हो रही है, ये 89 के बाद हो रही है। बिग मीटिंग एक हुई थी वर्ल्ड कांग्रेस न्यूरोलॉजी का सैटेलाइट सिंपोजियम, शेर कश्मीर कन्वेंशन कम्प्लेक्स में 89 में हुआ था। तो उसके बाद अब ये हो रहा है, एंड इट इज़ अ बिग इवेंट फॉर एवरीबडी, फॉर पीडियाट्रिक्स हियर, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी। एंड बड़ा देयर इज़ अ फीस्ट ऑफ नॉलेज यहाँ हो रहा है अभी। सर, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो क्या वजह है बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं? देखिए, जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस या इनमें, ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं, इनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ग्रोथ रैपिडली होता है, और इनका 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 एक्सपोजर जैसे होम में अगर गलत हो सकता है, स्कूल में अगर एक्सपोजर गलत हो सकता है, फ्रेंड सर्कल ठीक ना हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन सोसाइटी, दे कैन हैव लॉट ऑफ इश्यूज, और प्रेशर ऑफ स्टडीज से हो सकता है, और वायलेंस अराउंड हो कंट्री में, सिटी में, इससे भी काफ़ी असर हो सकता है, और एक्सेसिव स्क्रीनिंग से भी हो सकता है। द इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो आजकल है, उससे भी बच्चों में तनाव बड़ा होता है। ये कॉन्फ्रेंस कल भी थी, आज भी, और कल हाफ डे तक होगी। और हर एक डिसऑर्डर जो ब्रेन का है बच्चों में, से इन्फेक्शंस हैं, एपिलेप्सीज हैं, स्ट्रोक्स हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर से, ये सब डिस्कस हो रहे हैं यहाँ। सर, आज का जो बच्चा है वो मोबाइल के बगैर रहता ही नहीं है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज है मोबाइल से बच्चों के लिए, और क्या आगे नुकसान होंगे उनके लिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी मैं ऐसे ही बता सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ इज़ बैड, इससे इनके बैड हैबिट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेम्स का एडिक्शन हो सकता है, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो सकता है, नींद में काफ़ी बाधा आ सकती है, पढ़ाई में बाधा आ सकती है। आई थिंक ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन, ओवरऑल एवरीबडी नोज इज़ बैड, मगर ये भी ज़रूरी है इस्तेमाल करना, क्योंकि पढ़ाई शढ़ाई भी इसी से होती है। देखा गया, एक दो ढाई घंटे दिन में अगर बच्चे इस्तेमाल करें, दैट इज़ द अपर लिमिट, बियॉन्ड दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ।